ओम नमः शिवाय। आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणशरीरं ग्रहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिर् संचारापदयो प्रदक्षिण विधे स्तोत्राणि सर्वागिरो यत्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं संभोस्तवाराधनम्। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम भविष्यवाणी। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा, लेकर आया हूं आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देखते हैं इस सप्ताह किस राशि वाले को क्या मिलता है। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह आलस्य और लापरवाही से बचना होगा। करियर हो या फिर कारोबार, थोड़ी सी लापरवाही से बनी हुई बात भी बिगड़ सकती है और आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में विरोधियों से खूब सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई झूठे आरोप में फंसाने या फिर आपके काम में बाधा डालने का प्रयास कर सकता है। समय की नजाकत को समझते हुए लोगों से ना उलझें और छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अनावश्यक चीज़ों पर धन खर्च होने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा और प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए लव पार्टनर पर शक करने की वजह उस पर थोड़ा विश्वास करके तो देखें, फिर देखिए वह कैसे आपका पूरा ख्याल रखता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। मौसमी बीमारियों को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा और वाहन आप सावधानी पूर्वक चलाएं। आपके लिए शुभ उपाय है कि प्रतिदिन गाय को घर की बनी पहली रोटी खिलाएं और अपने इष्ट देव की आराधना करें। अब आते हैं वृषभ राशि। तो वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस्मत इस सप्ताह दरवाजे खटखटा रही है और इस सप्ताह आपके आय के नए स्रोत बनेंगे। करियर कारोबार में आशा के अनुकूल प्रगति होगी और आपका उत्साह पराक्रम बढ़ चढ़ कर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है और कार्य क्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों को भरपूर सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को बहुप्रतीक्षित पद मिल सकता है। सेहत की दृष्टि से भी आपका समय बहुत अनुकूल है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के चलते खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के अंत में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी संभव है। आपके लिए उपाय है कि आप किसी धार्मिक स्थान पर जाकर साफ सफाई आदि में सहयोग करें और कन्याओं को मिठाइयां खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। अब आती हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह समय और संबंधों के प्रबंधन की चेतावनी दे रहा है। यदि आप अपने कार्य की योजना बनाकर समय पर पूरा करते हैं तो तभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। घर हो या फिर कार्यक्षेत्र, लोगों की छोटी मोटी बातों को आप तूल ना दें और सिर्फ अपने काम पर फोकस रखें। यदि आप किसी से उलझते हैं तो इससे आपकी प्रतिष्ठा पर ही आंच आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। इस दौरान व्यवसाय में छोटी मोटी अड़चनें भी आ सकती हैं और जिन्हें दूर करने के लिए आप अपने शुभ चिंतकों की मदद ले सकते हैं। इस दौरान प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर अनबन भी हो सकती है और लव पार्टनर से दूर के कारण आपका मन भी थोड़ा खिन्न रहेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। हालांकि आपको स्वयं भी अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। उपाय है गाय को हरा चारा दें और गणपति की प्रतिदिन साधना करें। अब आते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ साबित होने जा रहा है। बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल सकते हैं और कारोबार में अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है। बाजार में अटका धन भी निकल सकता है। इस सप्ताह जिस तरह का धन आगमन लगातार बना रहेगा, कुछ उसी प्रकार खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए समय अनुकूल है। भूमि भवन से संबंधित कोई डील करने से पहले किसी वरिष्ठ या शुभ चिंतक की सलाह जरूर लें और किसी कागज पर बगैर सोचे समझे हस्ताक्षर करने से आप बचें।
अन्यथा आपको लाभ की जगह नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। लव पार्टनर के बेहतर समय व्यतीत करेंगे और जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। तो आपके लिए शुभ उपाय है, भगवान शिव की उपासना करें, दूध दही चीनी आदि का दान भी करें। अब आते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए इस सप्ताह इस बात को अच्छी तरह से याद रखना होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी हाँ, कार्य क्षेत्र पर या फिर घर के जरूरी काम करते समय बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करें, अन्यथा आर्थिक नुकसान के साथ साथ शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। यदि कामकाज के सिलसिले में यात्रा पर निकलना पड़े तो अपने सामान और सेहत को लेकर विशेष चिंतित रहें। और आप अपने व्यापार को विस्तार देने की सोच रहे हैं तो किसी वरिष्ठ की सलाह लेना ना भूलें। अपने प्रतिष्ठान पर विशेष नजर रखें और दूसरों के बहकावे में आने से बचना होगा। प्रेम संबंधों में लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी ना करें। दाम्पत्य जीवन में खट्टी मीठी नोक झोंक के साथ जीवन साथी का भरपूर साथ मिलता रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा भी संभव है। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप भगवती के लिए लाल चंदन अर्पित करें। अब आते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह अत्यधिक व्यस्तता वाला रह सकता है। घर और ऑफिस दोनों जगह कार्यों की अधिकता बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर भी निकलना पड़ सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। हालांकि यदि आप चाहें तो थोड़ा अधिक परिश्रम और समर्पण करते हुए लोगों को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर की मरम्मत और सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों को खरीदने पर जेब से अधिक खर्च हो सकता है। इस दौरान परिवार में स्वजनों से उम्मीद के मुताबिक सहयोग न मिल पाने के कारण मन थोड़ा दुखी रहेगा। हालांकि मित्रों का सहयोग से आपके सारे अटके कार्य पूरे होंगे। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। कठिन समय में जीवन साथी का साथ परछाई की तरह बना रहेगा। तो आपके लिए उपाय है, भगवान विष्णु की उपासना करें, गेहूं गुड़ तांबे आदि का दान करें। अब आते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह थोड़ा मध्यम रहने वाला है। और सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रिय चीज का नुकसान होने के कारण मन थोड़ा खिन्न रहेगा। समय पर मित्रों के सहयोग मिलने के कारण किसी स्वजनों का विरोध भी आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगा। छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है और सट्टे और शेयर आदि से नुकसान होने की प्रबल आशंका है। ऐसे में इन सभी के चक्कर में ना पड़े। इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार करने वालों के लिए समय अनुकूल है और सप्ताह के अंत तक भूमि भवन को लेकर कोई बड़ा सौदा भी हो सकता है, लेकिन क्रय विक्रय करते समय किसी वरिष्ठ की सलाह लेना ना भूलें। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। हालांकि कामकाज की व्यस्तता के चलते लव पार्टनर के लिए समय निकालना मुश्किल भरा कार्य रहेगा। जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। सेहत को लेकर सावधान रहें, मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। तो आपके लिए उपाय है, जरूरतमंद लोगों को खाने की सामग्री दान करें और माता लक्ष्मी की साधना करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह कभी खुशी कभी गम वाला साबित होगा। और सप्ताह की शुरुआत में जहां कार्य क्षेत्र बास की झड़की झेलने के कारण जहां मन खिन्न रहेगा, वहां मित्रों की मदद से अधूरे पड़े कार्यों के निबट जाने से थोड़ा संतोष भी रहेगा। यह समय आपको आर्थिक दृष्टि से योजना बनाकर चलने का है। व्यवसाय में पास के फायदे के चलते दूर का नुकसान करने से बचें। सट्टा या शेयर बाजार आदि में पैसा लगाने से भी बचें, अन्यथा आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। किसी बड़े मामले को कोर्ट कचहरी से बाहर सुलझा लेने में ही फायदा रहेगा। प्रेम संबंधों के प्रति ईमानदार रहें और अपने लव पार्टनर की भावनाओं का कद्र करें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन साथी के साथ पूजा पाठ करने से मन को ताकत मिलेगी, सेहत सामान्य बनी रहेगी। और आपके लिए उपाय है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। अब आते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह काफी लकी साबित होने जा रहा है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का
सहयोग मिलेगा और आय के नए स्रोत बनेंगे, किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात होगी और भविष्य में लाभ की योजनाओं पर काम करने का मौका भी मिलेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को इस सप्ताह कोई अच्छी खबर सुनने को भी मिल सकती है। इस दौरान कारोबारियों को छोटे निवेश से बड़ा लाभ मिल सकता है। बाजार में फंसा पैसा अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए समय अनुकूल है और जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह प्रयास करने पर आपकी बात बन जाएगी। अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ख्याल रखें, अन्यथा आपको पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। आपके लिए उपाय है, प्रतिदिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और केसर का तिलक लगाएं। अब आते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने जा रहा है। सप्ताह की शुरुआत में सेहत और संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है और संतान पक्ष को लेकर कोई बड़ी चिंता सताती रहेगी। पैसों की आवक के साथ खर्चों की अधिकता भी बनी रहेगी, हालांकि आपको कोई काम नहीं अटकेगा और सभी जरूरतें समय पर पूरी होती चली जाएंगी। यदि किसी भूमि या भवन को खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए धन उधार लेने की नौबत आ सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को पद या नई जिम्मेदारी के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे और जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। आपके लिए उपाय है, भगवान भैरव की उपासना करें, लोहा या काली उड़द का दान करें। अब आते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए बीते सप्ताह के मुकाबले यह सप्ताह बेहतर साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मदद से भूमि भवन से जुड़े विवाद का हल निकल आने से मन को बड़ी राहत मिलेगी। सत्ता पक्ष से लाभ के पूरे योग हैं। यदि किसी सरकारी योजना या कार्यालय में पैसा अटका हुआ है तो थोड़ा प्रयास करने पर निकल सकता है। करियर में और कारोबार में उम्मीद के मुताबिक प्रगति होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। संभव है कि आपकी परिजन आपके प्रेम पर शादी की मोहर लगा दें। वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है। सेहत संबंधी समस्याओं की अनदेखी करने की भूल बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपके लिए उपाय है, शनिवार के दिन चाय की पत्ती और कुछ दक्षिणा सफाई कर्मी को दान दें और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया भी जलाएं। अब आते हैं लास्ट राशि मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों पर इस सप्ताह जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी दूसरे के काम का जिम्मा आपके सिर पर आ सकता है। हालांकि मित्रों के सहयोग से आप इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से उठाने में कामयाब भी होंगे और कार्यों में मिलने वाली सफलता से आपके मनोबल में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार में किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। इस सप्ताह कोई नया सामान भी खरीद सकते हैं और घर परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के कई अवसर भी प्राप्त होंगे। भाइयों और बहनों आदि के साथ सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी आ रही बाधाएं दूर होंगी। लव पार्टनर की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है और मौसमी बीमारियों को लेकर आपको सचेत रहना होगा। आपके लिए उपाय है, हरिवंश पुराण का पाठ करें, चने की दाल और गुड़ गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होते हैं आपके नए राशिफल के साथ। मंत्रार्था सफला संतु, सफला संतु मनोरथा, शत्रुणां बुद्धिनाशाय, मित्राणां मुदीयस्तव।